नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 फाइलों को सार्वजनिक कर दिया है। उम्मीद है इससे नेताजी से जुड़े सभी रहस्य सामने आ सकते हैं। वेब वार्ता का आज का विषय है सुभाष का सच। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, क्या लगता है कि इन फाइलों के उजागर होने से नेताजी से जुड़े सच सामने आ पाएंगे? देखिए, अभी तो पश्चिम बंगाल सरकार ने उन 64 फाइलों को सार्वजनिक किया है जो पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा इतने समय से दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई तमाम जो अदालती कार्रवाइयां हैं या फिर पुलिस के पास जो जानकारियां थी या पत्र व्यवहार थे वो उसमें हैं। लेकिन नेताजी के परिवार की भी जिस तरह से मांग रही है कि लगभग 150 फाइलें केंद्र सरकार के पास भी हैं जो गुप्त रखी गई हैं, जिनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। मुझे लगता है वो 150 फाइलें और ये 64 फाइलें मिलाकर अगर सारे तथ्यों को खंगाला जाए तो हो सकता है कि बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ ऐसे रहस्य जिन पर लंबे समय से पर्दा पड़ा हुआ है वो सामने आ सके। दरअसल इन सब फाइलों में वो कागज होंगे जो 3 कमीशन बिठाए गए हैं नेताजी की मौत की जांच को लेकर। उन्होंने जरूर उनको खंगाला होगा, लेकिन बहुत सारी बातें समय के साथ सामने नहीं आ पाई। 2 कमीशन तो ऐसे थे जिन्होंने माना कि जो ताइवान में विमान दुर्घटना हुई 18 अगस्त को, उसमें नेताजी की मौत हुई। लेकिन मुखर्जी आयोग था जो जिसको सबसे अहम माना गया, उसमें ताइवान सरकार ने भी ये माना कि 18 अगस्त को 1945 को ऐसी कोई दुर्घटना ही नहीं हुई थी उनके उस हवाई अड्डे पर। और दूसरे अन्य तमाम महत्वपूर्ण तथ्य इस मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट में थे। लेकिन चौंकाने वाली भी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है और असमंजस पैदा करने वाली भी बात है कि इस मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को सरकार ने खारिज कर दिया था। तो अब इतने सारे जो बयान हैं, कमीशन हैं, जांच हैं, उनकी रिपोर्टों के बीच जनता लगातार ये जानने की कोशिश करती रही है कि नेताजी से जुड़ा हुआ सच क्या है। इन फाइलों का अभी सामने आना महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि केंद्र सरकार के ही जरिए ये बात सामने आई थी कि कांग्रेस की जो सरकारें थी उन्होंने लगभग 20 साल तक, आज़ादी के बाद 20 साल तक भी लगातार नेताजी के परिवार की जासूसी जारी रखी थी। तो नेताजी के परिवार की ये जासूसी क्यों की गई, ऐसा क्यों जरूरी समझा गया कि अगर नेताजी की मौत हो चुकी थी 1945 में तो फिर बाद में उनके घर की, उनके परिवार के लोगों की जासूसी इतने लंबे समय तक क्यों करवाई गई? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं। एक बाबा हैं, कहा गया कि वही नेताजी हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने कहा कम्युनिस्ट आंदोलन के पीछे नेताजी का हाथ है। तो इन फाइलों के सामने आने से निश्चित तौर पर जनता को ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि नेताजी से जुड़ा हुआ सच क्या है। क्या इस कदम के बाद केंद्र सरकार पर फाइलें उजागर करने का दबाव बनेगा? निश्चित तौर पर आएगा, जैसा कि अभी ये सत्य उजागर हुआ था कि जासूसी करवाई गई थी। तो ठीक है, आप जासूसी तो 20 सालों बाद बंद हो गई थी आजादी के, लेकिन फाइलें जो हैं वो अगर पश्चिम बंगाल सरकार सामने ला सकती है तो केंद्र सरकार उनको सामने क्यों नहीं ला सकती? और जब किसी चीज को दबाया जाता है तो लोगों की उत्सुकता बढ़ती है कि ऐसा उन फाइलों में क्या है कि जिसकी वजह से उन फाइलों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। देखिए, एक नेहरू जी का टेलीग्राम भी तमाम जांच आयोगों के बीच बहुत चर्चा का विषय रहा, जिसमें नेहरू जी ने लिखा था कि आपके जो युद्धबंदी हैं वो रूस में प्रवेश पा गए हैं और वो युद्धबंदी जो हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, ऐसा माना गया। तो ऐसे जो विरोधाभासी बयान हैं, विरोधाभासी दस्तावेज हैं, उनके बीच में आज़ादी के महानायक, दंगे आज़ादी के एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर निश्चित तौर पर लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहेगी कि आखिर नेताजी की मौत का रहस्य क्या है। और अगर वो हमारे बीच रहे, कोई कहता है कि 1965 तक वो जिंदा थे और 1965 के बाद उनकी मौत हुई। एक तथ्य ये सामने आया था कि उन पर रूस में बर्बर अत्याचार किए गए और साइबेरिया में उनकी मौत हुई है। तो इन सब में से सच क्या है ये जानना निश्चित, अगर सरकार ने ये मान लिया था कि नेताजी की मृत्यु हो चुकी है तो टोक्यो में जो अस्थियां उनके नाम पर रखी गई हैं उस अस्थि कलश को हिंदुस्तान लाने की कोशिशें क्यों नहीं की गई? क्योंकि अगर वो नहीं थे तो अस्थि कलश हिंदुस्तान को सौंपा जाना चाहिए था, मंगवाया जाना चाहिए था। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ाद हिंद फौज और उसके काम को लेकर देश में एक अलग तरह की भावुकता शुरू से रही है। लोगों को ये लगने लगा था कि जब हम सविनय अवज्ञा कर रहे हैं, तमाम तरह के आंदोलन कर रहे हैं, हम अपनी आज़ादी अंग्रेजों से मांग रहे हैं, तो ये आज़ादी जब हमें उस तरीके से नहीं मिल रही है, हमें लगातार प्रताड़ना दी जा रही है, दूसरे विश्व युद्ध में भी ज़बरदस्ती हिंदुस्तान की फौज को झोंका जा रहा है, तो ऐसे में एक व्यक्ति जिसने हुंकार भरी कि अब हम अंग्रेजों से छीन कर आज़ादी ले लेंगे, अपनी सेना बनाएंगे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगे और कूच करके हम अंग्रेजों के ऊपर चढ़ाई करेंगे और अंग्रेजों की सेना को, फौज को मात देकर हिंदुस्तान को मुक्त करा लेंगे, तो निश्चित तौर पर एक भावोन्माद था लोगों में, एक आवेग था और हिंदुस्तान की आज़ादी को दिलाने के लिए जितने भी सेनानी शहीद हुए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें आज़ाद हिंद फौज ने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग स्थान इसलिए भी बनाया था कि उन्होंने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का जो नारा दिया था वो जय हिंद की तरह ही देशवासियों के मन में घर कर गया था। और जब खासतौर पर आज़ादी मिलने के बाद लाल किले के सामने आज़ाद हिंद फौज के कुछ
सेनानियों पर, सिपाहियों पर मुकदमा चलाने की और उन पर बर्बरता करने की कोशिश की गई, तो उस वक्त जिस तरीके से पूरे देश में सहानुभूति की लहर आजाद हिंद फौज के सेनानियों को लेकर दौड़ी थी, तो जब लाल किले के सामने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के ऊपर मुकदमा चलाने की, उन पर अत्याचार करने की, उन पर तमाम तरह के अभियोग लगाने की बात हिंदुस्तान में हुई, तब लोगों को लगा कि ये हमारी आज़ादी के परवाने हैं, हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं इन्होंने, और इनके साथ के सैनिकों ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और इतने सारे लोग जंगे आज़ादी में शहीद हो गए, और जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था उस पर अपने ही देश की सरकार कैसे कोई, तो ये बहुत सारे विवाद हुए थे, विरोध हुए थे। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज ने घर घर में लोगों के दिलों में जगह बना ली थी और लोग नेताजी को अपने मसीहा के रूप में, अपने नायक के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिनकी अगुवाई में देश निश्चित तौर पर अधिक स्वाभिमान के साथ खड़ा हो सकता था, आगे बढ़ सकता था, ऐसे नेता के रूप में देखते हैं। लोगों का तो मानना ही है कि कश्मीर को ये लेकर या अन्य दूसरे मामलों को लेकर, पाकिस्तान को लेकर या चीन को लेकर जो नरम रुख हिंदुस्तान ने अपनाया वो शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता नहीं रखते, और इस वजह से हिंदुस्तान को वो सब खामियाजे नहीं भुगतना पड़ते जो भुगतते हैं हमने। तो इस सब के बीच में नेताजी एक ऐसे महानायक बनकर उभरते हैं जिनको लेकर इन रहस्यों की वजह से लोगों के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई है। ये फाइलें जो आई हैं सामने, इनके तमाम तथ्य जनता के सामने निश्चित तौर पर आएंगे, मीडिया के माध्यम से भी आएंगे, और जो लोग शोध कर रहे हैं, जानकारी रखना चाहते हैं, नेताजी को चाहते हैं, वो लोग भी इन फाइलों को पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ ही वो 150 फाइलें जो केंद्र सरकार के कब्जे में हैं उनको भी सामने आना चाहिए। जगदीप जी, अगर इन फाइलों से यदि कुछ सनसनीखेज खुलासे होते हैं तो भारतीय राजनीति पर इसका क्या असर होगा? निश्चित तौर पर इसका एक व्यापक दूरगामी असर हो सकता है, क्योंकि अगर एक देश के नायक के बारे में जानकारियों को छुपाया गया तो उसका कारण क्या था? क्या उससे देश को कोई नुकसान होने वाला था, या आपने कोई ऐसी दूरभी संधि किसी दूसरे देश के साथ कर ली थी कि जिसके चलते आपको अपनी इन फाइलों को छुपाना पड़ा? और अगर आपने ऐसा छुपाया है और देश की जनता को भरोसे में नहीं लिया है तो ये आपराधिक कृत्य है। एक ऐसा व्यक्ति जो घर घर में एक नायक के रूप में पूजा जाता है, नायक के रूप में याद किया जाता है, उनका हौसला, उनकी हिम्मत, आज़ादी के लिए उनकी लड़ाई आज भी लोगों को प्रेरणा देती है, और ऐसे नायक के बारे में, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में यदि तथ्यों को छुपाया गया है और जानते बूझते हुए भी सरकारों ने उनको सामने नहीं लाया है तो इसका राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। जो सरकारें उस वक्त थी उनके जो नुमाइंदे आज भी हैं उनके नुमाइंदों से, उन जैसे कांग्रेस का लंबे समय तक शासन रहा है और हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार से और एनडीए से भी ये पूछा जाएगा कि जब बीच में एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिला था तब इन फाइलों को लेकर नेताजी के रहस्यों को, क्योंकि उसमें तो गठबंधन की कोई मजबूरी सामने नहीं आती, किसी भी गठबंधन की किसी पार्टी ने नेताजी की फाइलों को सार्वजनिक किए जाने की मुखालिफत तो नहीं की है, तो फिर ऐसी क्या राजनीतिक या कूटनीतिक मजबूरी रही है जिसकी वजह से नेताजी की इन फाइलों को इतने लंबे समय तक सार्वजनिक नहीं किया गया? अगर उसमें कोई ऐसा तथ्य था ही नहीं जिसकी वजह से सनसनी फैले तब तो फिर उनका छुपाया जाना समझ से परे है, और यदि उसमें कोई ऐसा तथ्य था या है जो कि सनसनीखेज है जिसको जनता को नहीं बताया गया तब तो फिर तमाम सरकारों को, और मुझे लगता है इसमें केवल कांग्रेस नहीं एनडीए से भी ये पूछा जाएगा कि अपने पिछले कार्यकाल में आपने इस तरह के प्रयत्न क्यों नहीं किए, और कांग्रेस से तो खास तौर पर ये पूछा जाना चाहिए कि नेताजी से लेकर जो जुड़ी हुई फाइलें थी उनको जनता के सामने लाने में आखिर आप क्यों हिचक रहे थे। धन्यवाद जगदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे नेताजी से जुड़ी फाइलों के खुलासे की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।